रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। अमरनाथ यात्रियों से भरी जिस बस पर सोमवार को आतंकियों ने हमला किया उसके ड्राइवर सलीम की बहादुरी के चर्चे अब हर जगह हैं। ड्राइवर सलीम ने कहा कि आतंकियों ने बस पर 50 से 60 गोलियां चलाई। हालांकि इसके बावजूद सलीम ने तब तक गाड़ी नहीं रोकी जब तक कि सेना का कैंप नहीं सामने आ गया। सलीम के मुताबिक सुरक्षा बल बस से काफी दूर थे, उनकी गाड़ी पंचर हो गई थी। सलीम के मुताबिक सुरक्षा बलों ने कहा कि हमला करने वाले आतंकियों को मार गिराया जाएगा। तो बहादुरी की यह खबर जिस पर आज लगातार जी न्यूज नजर बनाए हुए है, हम आपको बता रहे हैं लगातार कि किस तरीके से अमरनाथ यात्रियों से भरी जिस बस पर आतंकियों ने हमला किया उसके ड्राइवर की बहादुरी की वजह से तमाम लोगों की जान बच पाई।